हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास सिक्स उमंग बेच का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में हमारे नंबर्स के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक हमारे इस चैप्टर में होने वाले हैं, इसका एक ओवरव्यू मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आज के लेक्चर में और क्या क्या हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से कॉपी को प्रॉपर तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा, डिजिट्स एंड नंबर्स क्या होते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है जो कि आपने छोटी क्लासों में यानी कि फिफ्थ या फोर्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल नंबर्स, इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है, वो चीज़ हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई डिजिट दे दे और डिजिट की हेल्प से कोई नंबर बनाना हो तो उस नंबर को कैसे फॉर्म किया जाता है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद में हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, यानी नंबर्स को घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में कैसे अरेंज किया जाता है, यानी कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की तरफ कैसे अरेंज किया जाता है, ये चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है, इसका भी अभी मैं एक एग्जाम्पल दे के समझा दूंगा, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। वैसे हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू का एक थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं, इसके अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फिर हमारा होगा इंटरनेशनल एंड हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाता है। जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, मिलियन बिलियन वगैरह यूज किया जाता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, इस तरीके से यूज किया जाता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का क्या तरीका है, वहीं पर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नंबर को एक्सपेंड करके कैसे लिखा जाता है, यह भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग यूज ऑफ कोमास, जब हम इंटरनेशनल और हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, लाख, दस लाख, इनके बीच में कभी कभी कोमास यूज किए जाते हैं, वो कोमा कहाँ कहाँ यूज किए जाएंगे, कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। इसके बाद में हमारे जो दो मेन टॉपिक आएंगे वो है एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ। एस्टिमेशन और राउंड ऑफ क्या होता है, इसका भी मैं थोड़ा सा अंदाजा आप लोगों को अभी एक एग्जांपल के द्वारा दे दूंगा। ये हमारा इस चैप्टर में ये भी एक टॉपिक रहेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हम रोमन न्यूमेरल्स पढ़ेंगे, जो कि आप पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। फिर यहाँ भी हमारे को वही नंबर्स लिखने, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे उन चीज़ों को और केवल क्वेश्चंस करने पे फोकस करेंगे। इसके बाद में यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को कैसे यूज किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर्स को ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए नंबर के साथ कैसे ऑपरेशंस में परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के सभी सॉल्यूशंस, सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी हम लोग इस एक लेक्चर में पूरे, एक या दो लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। एक एक का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उस लेक्चर के थ्रू हम लोग आपके डाउट्स भी लेने की कोशिश करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपके लिए एक और एडवाइस है, आप रिक्वेस्ट समझ सकते हैं या एडवाइस समझ सकते हैं कि आप क्लास सिक्स के लिए पर सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बना लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूँ तो एक कॉपी बना लीजिए जिसमें केवल मैथमेटिक्स का काम करना है, हमें अदर सब्जेक्ट्स का काम उसमें नहीं करना है। भले ही चाहे आप चाहो तो एक रफ कॉपी के टाइप की कॉपी बना लीजिए, लेकिन उसमें केवल मैथमेटिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी जो आप यहाँ से पढ़ रहे हो वो मैथमेटिक्स वहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा स्कूल्स का काम,
स्कूल का काम या कोचिंग का काम हो गया या अदर सब्जेक्ट उसमें मिक्स नहीं करना, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी वो चीज़ भी हम देखते हैं। साथ में आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक तो हैंड रिटन नोट्स लिखने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। हमें क्या करना है, पेपर में एक्चुअल में लिखना ही तो है। अगर आप लिखोगे नहीं तो पेपर में फिर लोग आपको जोर आएगा कि भाई क्या क्या लिखूं मैं, समझ में ही नहीं आ रहा। इसके अलावा वैसे तो हम लोग आपको पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे नोट्स का, हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कमेंट में आपको ये मिल जाएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दूसरी आपके लिए क्या होगी, एक आपके ऑर्गेनाइज तरीके से सारे नोट्स आपके लिए लिखे हुए रहेंगे, तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप लोगों को इधर उधर की कॉपियां नहीं ढूंढनी पड़ेगी, बुक्स नहीं खंगालनी पड़ेगी, सारे के सारे नोट्स आपके ऑर्गेनाइज करे हुए एक ही कॉपी में लिखे हुए रहेंगे, तो आपको एक ही कॉपी से क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी चीज़ें। तो इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कॉपी बनाइए, साफ सुथरी कॉपी रखिए, साथ ही अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स उसमें बनाइए। आप लोग जो नोट्स यहाँ से डाउनलोड करोगे उसको केवल आप रीड कर पाओगे, आपकी ना तो लिखने की प्रैक्टिस होगी ना ही आपके पास वो ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे, क्योंकि हर लेक्चर की एक अलग पीडीएफ होगी, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कॉपी बनाइए और अपने हैंड रिटन नोट्स लिखिए। इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हर लेक्चर के बाद में आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में भी देंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जब आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद में इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई जरूर करो। अगर कोई डाउट आता है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको सोल्व कैसे करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 का पहला टॉपिक, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिजिट्स एंड नंबर्स। तो एक बार आप लोग इस ओवरव्यू को भी कॉपी में पहले पेज पे लिख लीजिए, जिससे कि आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो आपको पूरा दिमाग में रहेगा कि ये टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का बाकी क्या लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, डिजिट्स एंड नंबर्स। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट्स क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में यूज करने वाले कुछ सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं हिंदी के अंदर देखें तो कैसे लेके गए से ज्ञानी तक और ए आ ई ई वगैरह, ये क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। इन्हीं की मदद से क्या किया जाता है, शब्द बनाए जाते हैं, यानी वर्ड बनाया जाता है। उसके बाद में इन्हीं की मदद से वाक्य या फिर पैराग्राफ वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, उनके हेल्प से क्या किया जाता है, वर्ड बनाया जाता है, फिर सेंटेंस बनाया जाता है और फिर पैराग्राफ बनाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं ABCD और जो लिखने का जो तरीका है वो कुछ सिंबल्स हमने बना दिए हैं, उन सिंबल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, बाकी की चीज़ों को बनाते हैं। सेम सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, मैथमेटिक्स में भी हमने कुछ सिंबल्स फिक्स कर दिए और उन सिंबल्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के बाद में हमारे को क्या मिलेगा, एक नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये कुछ सिंबल्स हैं, हमने मैथमेटिक्स में टोटल 10 सिंबल्स बनाए हैं। कैसे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सिंबल्स को क्या बोला जाता है, इनको डिजिट्स बोला जाता है। और जब इन डिजिट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 24057, तो 24057 क्या है, एक नंबर है। इस नंबर को मैं हमने क्या किया, इन डिजिट्स को अरेंज कर दिया। डिजिट्स कौन कौन से यूज किए, 24057, ये हमारे डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को जैसे ही हमने यहाँ पे अरेंज किया तो हमें क्या मिल गया, नंबर मिल गया। इसके साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स हमने यूज किए, 5 डिजिट्स हमने यूज किए। तो डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ, डिजिट्स मैथमेटिक्स में यूज किए जाने वाले बेसिक सिंबल्स होते हैं, मतलब लिखने का एक तरीका है जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया। कितने डिजिट्स होते हैं टोटल हमारे मैथमेटिक्स में, हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें 10 डिजिट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
इन 10 डिजिट्स को जब में से किसी भी डिजिट को जब अरेंज किया जाता है तो उससे हमारे को क्या मिलता है, एक नंबर मिल जाता है। एक नंबर के अंदर ये जो पूरा लिखा हुआ है अरेंज करने के बाद में, ये हमारा नंबर है और यहाँ पे जो ये यूज किए हैं 2, 4, 0, 5, 7 ये हमारे डिजिट्स हैं और इस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को नोट के रूप में बता दूंगा। इसके साथ ही हमारी 2 चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू क्या होती है, भाई किसी भी नंबर की फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है और किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो सबसे देखो फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, भाई फेस का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिख रही है। तो फेस वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कि जो डिजिट होगा ना वो खुद ही उसकी क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी नंबर को लेता हूँ, इस नंबर में क्या है ये 7, मैं क्या कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट डिजिट्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ 75042, ये हमारे क्या है, हमने डिजिट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब 7 डिजिट की फेस वैल्यू हमें बतानी है, तो हमने क्या देखा कि डिजिट जो खुद होगा इटसेल्फ वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी 7, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5, 0 की फेस वैल्यू क्या होगी 0, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी 4 और 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 होगी। मतलब जो डिजिट होगा वो खुद ही क्या कहलाता है, अपनी फेस वैल्यू कहलाता है। आई होप फेस वैल्यू का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके प्लेस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। प्लेस क्या होता है, जैसे कि पहले नंबर पे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाऊं, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है और ये कौन सा है हमारा राइट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट सबसे राइट में लिखा हुआ है, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है। तो देखो ये राइट मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट से हम लोग किधर की तरफ चलते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला जो डिजिट होगा हमारा ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट या वंस यूनिट्स प्लेस बोलते हैं। ये सेकेंड नंबर वाला जो डिजिट होगा हमारा क्या होता है, टेंस प्लेस होता है। ये थर्ड नंबर वाला डिजिट क्या होगा हमारा, हंड्रेड्स प्लेस होगा, फिर थाउजेंड्स प्लेस होगा, फिर 10,000 प्लेस होगा, फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, तो ऐसे हमारा चलता रहेगा। इसको भी हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए केवल मैंने एक आपको हिंट दिया है कि समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो जैसे इस एग्जांपल को समझते हैं 2, 4, 5, 1, इसके अंदर क्या है, मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ कि 1, 5, 4, 2, ये हमने डिजिट्स यूज किए हैं। 1 कौन से नंबर का डिजिट है, वंस डिजिट है। 5 कौन सा है, टेंस डिजिट है। 4 कौन सा है, हंड्रेड्स डिजिट है। और 2 कौन सा है, थाउजेंड्स डिजिट है। तो अब वंस डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, 1 × 1 = 1। टेंस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 × 10। टेंस डिजिट मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, हंड्रेड्स डिजिट मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और थाउजेंड्स डिजिट मतलब जो भी डिजिट दिया हुआ है उसकी फेस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज हमारी क्या आ गई, प्लेस वैल्यूज आ गई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू भी समझ में आ गई होगी कि प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं और एक दो नोट को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी आप लोग एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो उसको आसानी से कर सकूं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट और नंबर वाला पार्ट नोट कर लेना है केवल एक, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में केवल ये वाला पार्ट नोट करो कि डिजिट क्या होता है, ये क्या होता है, नंबर क्या होता है। उसके बाद में आप टॉपिक डालो फेस वैल्यू क्या होती है, उसमें इस एग्जांपल को लिखो। एग्जांपल लिखने के बाद में डिजिट इटसेल्फ को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लिख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक डालना है, उसके बाद में इस एग्जांपल को लिखना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो नोट देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब हम कुछ नोट देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम 2 नोट हैं वो उनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2, 4, 1, 7, ये एक हमारा नंबर है। इस नंबर में ये जो 7 है वो कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस है। हम लोग क्या करेंगे, इस वंस प्लेस वाला जो डिजिट है 7, इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे को क्या समझ में आता है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 1, क्योंकि वंस प्लेस पे है इसलिए 7 आएगी। इसके साथ ही फेस वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट होता है वो खुद ही खुद की क्या होगा,
फेस वैल्यू होगा, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि वंस डिजिट पे कोई अगर मतलब वंस प्लेस पे कोई अगर डिजिट होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों की दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, यानी दोनों की दोनों सेम होगी। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, नोट हमारा यही है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट आर सेम। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में नोट नंबर 2 है, क्या है हमारा, जैसे हमने कोई एक और नंबर एग्जाम्पल लिया है 5402, यहाँ पे 0 कहीं पे भी ले सकते हो आप। जैसे 0 यहाँ पे मैंने टेंस प्लेस पे ले लिया, तो हम क्या करते हैं, अब 0 की फेस वैल्यू निकालते हैं और प्लेस वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि हमारे को क्या मिलती है। तो देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है P.V, यानी कि प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, यानी कि 0 की प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फेस वैल्यू क्या होगी, नंबर डिजिट जो हमारा होगा नंबर में से, वो खुद ही क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगा। तो 0 की फेस वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब 0 कहीं पर भी हो, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 ही आती है। तो अगला नोट हमारा यही है कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक हमारा थर्ड नोट है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक नंबर लिखा हुआ है 0757, एक्चुअल में जब भी नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा होगा, ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, इस डिजिट पे अगर 0 लिखा हुआ है तो ये वाला क्या होगा, यूजलेस होता है, मतलब इसको हम हटा सकते हैं। तो हम बोलेंगे इसमें 4 डिजिट है, नहीं है, इसमें केवल कितने डिजिट है, 1, 2, 3, केवल 3 ही डिजिट है, मतलब 0757, ये एक्चुअल में कितना है, 757 है, हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी को कैलकुलेशन करनी है तो माइनस वगैरह करते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करने के लिए आगे 0 लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला नंबर एक्चुअल में कितना है, ये वाला है। चलिए अब हम ये जो नोट हमने पढ़े इनके ऊपर और पिछली स्लाइड पे हमने जो पढ़ा था उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 245017 एंड 0725। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि इस वाले नंबर में कितने डिजिट्स है, हम गिन के बता सकते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस वाले नंबर में टोटल कितने डिजिट्स है, हमारे पास 6 डिजिट्स है। फिर हम बात करते हैं इसमें, तो अभी अभी हमने नोट नंबर 3 में पढ़ा है कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर 0 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3। इसमें कितने डिजिट्स होंगे हमारे, 3, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट 0 है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना, केवल डिजिट्स को काउंट करना है और बता देना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमारा जो होगा, लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो अगर 0 है तो उसे काउंट नहीं करना है, उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, इतना भी लिखोगे तो हमारा नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 7 इन 72510। मतलब हमारे को क्या दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, इस नंबर में जो 5 और 7 जो डिजिट्स है, यानी कि 7 और ये वाला 5, इन दोनों डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज होंगी, इनकी हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यूज होंगी, उनका हमारे को सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो वंस, टेंस और हंड्रेड्स नंबर पे। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 × 100 इज इक्वल 500 हो गया। फिर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वो देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000। 10,000 मतलब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 10,000 विच इज इक्वल टू 70,000। आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यूज दोनों समझ में आ गई होगी, लेकिन हमें प्लेस वैल्यूज नहीं निकालनी थी, हमें उनका क्या निकालना था, सम निकालना था। तो प्लेस वैल्यूज का सम कितना होगा, 70,000 + 500 विच इज इक्वल टू 70,500। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया। आई होप आप लोगों को ये
क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लगा लो इसको बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 7 इन 57251। यानी कि हमारे को इस नंबर के अंदर क्या करना है, जो सेकंड मतलब जो दो डिजिट है उसका और सेवन जो डिजिट है उन दोनों डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद में जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारे को दोनों का क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन, तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन क्या होगी, वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, यानी कि सेवन मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल 7000, 7000 क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7 की। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी 1, 2, 3, यानी कि 1s, 10s और 100s नंबर पे आ रहा है तो कितनी होगी 200 क्या हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो, तो 7000 में से माइनस करना है कितना 200, मतलब 7000 में से 200 को माइनस करना है, तो फाइनल आंसर कितना होगा 6800, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों के लिए 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप डिस्कस करना और नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग उनको उनका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इन तीनों नोट को नोट कीजिए, उसके बाद में तीनों क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा गैप डाल के और साथ में सॉल्यूशंस के साथ भी आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस डालता हूँ। तो मैंने बोर्ड पे आपके लिए तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं जिसको हम लेक्चर नंबर 2 के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 7215, यानी 7215 नंबर जो है हमारा इसके अंदर जो डिजिट 2 है, इस डिजिट 2 की जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होगी और फेस वैल्यू होगी, इन दोनों का सम हमारे को फाइंड करना है। इसके साथ ही सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू वैल्यूज ऑफ 9 and 3 इन 37291, यानी ये हमारा नंबर है, इसके अंदर 9 और 3 प्लेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स के बीच का हमारे को क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यूज के बीच का डिफरेंस हमारे को फाइंड करना है। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसे नोट कर लीजिए और वीडियो अगर आपको आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमारे को जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।